सब लोग, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कोई सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं तो अभी बना रही हो और देखो मंदिर में हो जा रही है। अभी मैं खाना बना रही हूँ और पनीर मसाला बना रही हूँ, कुछ अलग बना रही हूँ। तो आप लोगों को शेयर करूँ कि मैं अपने तरीके से मैं कैसे बनाती हूँ करके। तो मेरा ब्लॉग आखिर तक देखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा तरीका बनाने का तरीका करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो किचन में मिलती हूँ मैं आपको। पनीर मसाला बनाने की रेसिपी है, 4 प्याज ले लिए, 4 टमाटर ले लिए, मिर्च ले लिए कुछ, और अदरक और लहसुन है। अब मैं इनको पहले प्याज को काटूंगी, फिर फ्राई करूंगी, फिर निकालूंगी। अदरक लहसुन का भी वैसे ही उसको डालूंगी, फ्राई करूंगी, फिर निकालूंगी, फिर ग्राइंडर करूंगी उसको। तो उसके बाद टमाटर भी, अब आगे का मैं दिखाती हूँ आपको। आप ये मत सोचना कि वैसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे करके काटूंगी। तेल मैंने डाल दिया, थोड़ा पड़ा के डाला हुआ है और कढ़ाई चल गई है मेरी, पहले ही तल दिया था मैंने उसकी वजह से। और प्याज है तो मैं इनको उसको डालूंगी, इसमें कढ़ाई में डालूंगी, इसमें मैं प्याज डालती हूँ। अब मैं इसको निकालती हूँ। तो ऑयली हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। इसके सूप दबा दबा के इसको तेल निकाल देती हूँ। मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया, इसको भी थोड़ा फ्राई होने देते हैं। काट लेती हूँ, सोच रही हूँ साथ में पत्ता काटा भी गोंद लूँ, है ना, तबीयत एक तो ठीक है नहीं, फटा फटाटा गोंद लेते हैं। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेती हूँ फटाफट। डाल दे इसको 4 मिनट जल्दी से तैयार करते हूँ। और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है, मैं पानी नहीं डालती हूँ। तो ये कर लिया मैंने, ग्राइंडर कर लिया। अब टमाटर को भी करूँगी, अब इसमें मैं डाल देती हूँ कड़ी पत्ता, थोड़ा मसाला डाल दूंगी, डाल दूंगी ये और थोड़ा सा जीरा। प्याज पहले से फ्राई किया हुआ है तो ये टमाटर कच्चा है, इसको पकाऊंगी पहले। ये पक रहा है, इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी। ये भी मिक्स कर दिया मैंने, इसमें हरे कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी, और एक बार अच्छा लग रहा है ना डाल के। फिर मेरा दूध गर्म हो रहा है तो इसी तरह इसको बना रही हूँ, इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल पाउडर डालूंगी, इससे थोड़ा सा कलर रेड रेड सा होगा ना, अच्छा दिख जाता है। तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। डाल
दाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसको पकने देती हूँ। फिर गर्म मसाला डाल, ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, गर्म मसाला डालिए थोड़ा सा पकने देते। अब इसको थोड़ी देर और पकने देती हूँ मैं। और ये पनीर मेरी रेडी हो रखी है यहाँ पर, मसाला बस पनीर और ये मसाला बनाया, इसको पनीर मसाला बोला जाता है मेरी भाषा में तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो आप लोग को दिखा रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं गर्म मसाला डालती हूँ, डालूंगी। अब इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी मैं, इसको बंद करके डालूंगी नहीं तो दही फट जाएगा मेरा। गैस मैंने बंद कर दी थी, थोड़ा सा इसको मैं बरसी रहने देती हूँ नहीं तो दही फट जाती है। इसमें दही डाल देती हूँ मैं, अच्छे से मिक्स करूंगी। फोन पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, खुदी अकेले पकड़ना पड़ता है, नहीं दिखा पा रही अच्छे से मैं। पनीर भी मिक्स कर लिया है और मिर्च भी देखो, ये मिर्च डाली है पूरी, इसमें चीरा लगा के डाला हुआ है, अच्छी लगती है। इसको थोड़ी देर तक लगा के रख देती हूँ, फिर इसमें एक चम्मच घी डालूंगी, उसके बाद हम गर्मा गर्म खाएंगे, फिर रोटी बनाती हूँ खाएंगे। मैं इसमें घी डाल दूँ, एक चम्मच घी डाल दिया है, पकने के लिए छोड़ देती हूँ इसको। कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा मेरा बनाते हुए करके। अभी एक पक गया, इसको मैं बंद करके रख देती हूँ, ढक्कन लगा के रखती हूँ। रोटी बनाना स्टार्ट करते, गोल रोटी भी नहीं हो रही हो। जल्दी तो गए, मेरी सब्जी हो गई तैयार, अब मैं जा रही हूँ खाने। मन तो नहीं है लेकिन सब्जी को देख के लग रहा है कि मैं खा लूँ करके, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ करके। नहीं, अब खाना खा के ही सोऊंगी मैं अब खाते हैं हम गर्मा गर्म, आप लोग भी खाओ। टाइम हो गया 8:45 हो गया, अब खाते हैं हम लोग।